2019 की विशेष कवरेज में हम इस वक्त सतुली में हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये बाजार है सतुली का, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका गृह क्षेत्र है और मुख्य बाजार है उसका ये। आइए यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पे और क्या 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 परेशानी है उनको यहाँ पे। बताएं कि आप यहाँ पे कारोबार करते हैं सतुली में, किस तरह की दिक्कत रहती है यहाँ पे सतुली क्षेत्र में, जो कि यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी की यहाँ के रहने वाले हैं और बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे क्षेत्र से हैं। और यहाँ पे गांव में जो आज जो भी मंच से बोलता है पलायन की बातें करता है, पलायन विशेष करके हमने एक मैप रीडिंग तैयार की थी जिसमें हमने सोचा और हमने सरकार के से भी एक निवेदन किया था, कई बार हमने चिट्ठियों द्वारा किया था कि पलायन के बारे में आप मंच से कोई भी ना शब्द कहें, क्योंकि पलायन के लिए सबसे पहले हमारे क्षेत्र में एक बोर्डिंग स्कूल होना जरूरी है, क्योंकि आजकल प्रत्येक स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में केवल दो चार ही मात्र विद्यार्थी रह चुके हैं, बाकी सब पलायन हो चुका है। अगर सबसे पहले हम निवेदन करेंगे कि हमारे क्षेत्र में भी उद्योग लगे ताकि हमारा यहाँ पे जो पलायन रोका जा सके। जो सांसद बनेगा आपका नया, चाहे वो बीजेपी के बने, कांग्रेस के बने, हो सकता है किसी और पार्टी का बने, निर्दलीय बने, क्या उम्मीदें हैं उनसे? हमारी सबसे ज़्यादा उम्मीदें अपने सांसद से है कि वो सबसे पहले हमारे क्षेत्र में पलायन के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि आज हमारे जो घर में अगल बगल कोई नहीं है, एक बुढ़िया और माताजी, ये बुजुर्ग पिताजी रहते हैं, बाकी ज़्यादा करके हमारे क्षेत्र में जो भी युवा लड़का है वो फौज की तैयारी करता है, परंतु यहाँ पर आपको रोजगार की व्यवस्था। हाँ, रोजगार की आप बताएं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री ने घोषणा की हुई है कि यहाँ पे जो है एक झील बनाई जाएगी, यहाँ पे कुछ कारोबार पर्यटन के लिए काम किया जाएगा, क्या वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं आपकी? नहीं जी, अभी तक तो कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, पर कुछ उम्मीद है भविष्य में अगर हो जाएगी तो बढ़िया है। उसमें बोलते पर्यटक को जो है कुछ बोलते मिलेगा, बोलते बढ़ावा मिलेगा, टूरिस्ट आएंगे, लोगों का रोजगार बढ़ेगा। यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रहते हैं राजनीतिक तौर पर भी, और जो यहाँ की समस्याएँ उनसे वाकिफ भी हैं, क्या क्या समस्याएँ हैं यहाँ पे जिनका समाधान होना चाहिए? सबसे जो मुख्य वो है ये कि रोजगार, और रोजगार होगा तो पलायन पे भी प्रतिबंध लगेगा, और जो मेरा अपना मानना, मैं काफ़ी सालों से सक्रिय हूँ यहाँ पे, और जो मैं ये देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे चकबंदी का होना बहुत आवश्यक है। जब तक यहाँ चकबंदी नहीं होगी इस उत्तराखंड का जो है, तब तक भला नहीं हो सकता। आपके सामने एक बगल में आपका एक प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, आज आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में जो लोग वहाँ पे रोजगार जिनको मिला हुआ है वो बाहर पलायन नहीं करते, और ये रोजगार का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब यहाँ पे ये चकबंदी करेंगे तो जो लोग पहाड़ी लोग मैं देखता हूँ दिल्ली बम्बई में या देहरादून में, अच्छे लोग पैसे वाले लोग हैं, तो जब उनको एक जगह जमीन मिलेगी तो वहाँ पे कुछ लोग खोलेंगे, और उसमें चाहे वो फोर्थ क्लास की सर्विस हो और आपका चाहे खेती का हो, कुछ कोई भी चीज़ हो, जैसे आपका हमारे यहाँ पे सतपुली के पास भांग की खेती चल रही है, तो उसमें जो मेरा संज्ञान में आया है कि उस ज़मीन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, और आगे भी अभी जो मैंने सुना करीबन 150 लोगों को वहाँ और रोज़गार मिल रहा है, तो उसी तरह की भांग की खेती को हम लोग जो है बड़े ऊँचे स्तर पे कर सकते हैं। भांग की खेती हो गई, आपका गुलाब का फूल हो गया, इनसे दवाइयाँ बनती हैं, और कम से कम भांग से तो 250 से 2500 दवाइयाँ बनती हैं, और उसका जो रेशा है उससे A1 कपड़ा बनता है। तो ये चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है। अब वो यहाँ के चाहे कर्णधार मुख्यमंत्री हो, चाहे ये कोई भी हो, मेरा अपना एक मानना है कि यहाँ पे चकबंदी होनी चाहिए।
एक बात ये भी थी कि पंपिंग योजना की जो बात है, पानी की दिक्कत जो रहती है, इसके अलावा यहाँ पे जाम की जो समस्या रहती है, अक्सर जाम लगा रहता है सतपुली में, क्योंकि ये काफ़ी डेवलप हुआ है लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इन बातों को लेकर क्या उम्मीदें हैं सांसद से आपकी? मैं विशेष करके मेरा जो यहाँ पे जो सांसद बन के आएंगे, मेरा उनसे जनता की तरफ से निवेदन यह रहेगा कि हमारी जो भैरवगढ़ी पंपिंग योजना थी जिसमें 300 गांव हमारे क्षेत्र में आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, बिल्कुल सही है। हमारा जो हमारा सांसद यहाँ बन के आएगा, कोई भी चुन के आएगा, मेरा विशेष उनसे और अपनी क्षेत्रीय जनता और सारे क्षेत्र की जनता से उनसे नर्मल निवेदन यही रहेगा कि वो हमारी भैरवगढ़ी पंपिंग योजना जो 2007 से लंबित पड़ी हुई है, अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा जो भी सांसद बन के आएगा वो कम से कम इस योजना को जिसमें 300 गांव आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, मैं द्वारीखाल ब्लॉक और भैरवगढ़ी पंपिंग योजना जो द्वारीखाल ब्लॉक से सुप्रसिद्ध है और यहां पे सतपुली में जो आप यहां पे देख रहे हैं हर वक्त यहां पे ट्रैफिक जाम रहता है, यहां पे एक्चुअली कई बार हमने भी शासन और प्रशासन को पत्र द्वारा भेजा है कि यहाँ पे जो सतपुली के इर्द गिर्द कहीं पे जो जगह मिलती है, जो कैसरीन जगह है, वहाँ पे एक टैक्सियाँ या बस जो भी ट्रैफिक के संबंध में जो आती हैं वहाँ पे एक मैदान बनाया जाए वहाँ पे, ताकि यहाँ पे हर वक्त यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था रहती है। इसलिए निवेदन करूँगा मैं अपने जो भी नया सांसद बन के आएगा उनसे यही निवेदन रहेगा कि वो इस व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाने का कष्ट करेंगे, एवं सतपुली बाजार में एक हॉस्पिटल यहाँ पे कम से कम 20-30 बेडों का हॉस्पिटल है, उसमें आज तक कोई डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है और जो भी हमारा आदमी यहाँ पे से बीमार होके जो जाता है हम लोगों को देहरादून या कोटद्वार करना पड़ता है, क्योंकि हम जो लोग यहाँ पे जो गढ़वाल में आज 4-5 लोग रह चुके हैं, प्रत्येक गाँव में कम से कम 20-25 परिवार रहते हैं और हम जब बीमार या कोई पेड़ों से महिला कोई गिर जाती है, भालू ने किसी को खा दिया या किसी पे आक्रमण कर दिया, पर हमारे पास यहाँ पे कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं है, केवल हॉस्पिटल जो बना हुआ है वो देखने के लिए बना हुआ है। और हमारा मैं निवेदन यही करूंगा जो भी हमारा सांसद बन के आएगा, सबसे पहले वो सतपुली में जो हॉस्पिटल खुला है 20 बेडों का वहाँ पे डॉक्टर भेजने का कष्ट करेंगे। मुख्यमंत्री जनसभा सुन रहे होंगे, क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार जो सांसद बनेंगे उनसे आपकी? प्रधानमंत्री की उम्मीद है, पूरा भरोसा है, वो हमारा जो है विकास करेंगे और जो है यहाँ पर जो है विकास का कार्य वैसे ठीक चल रहा है, ठीक है। हाँ, मोदी जी को मोदी जी को 45 से नहीं है, केवल मोदी जी का नाम है इसलिए, लेकिन यहाँ पर जो है खड़िया पत्ती नहीं हो रही है, ऐसे जो है अधूरे काम जो है लटके हुए हैं, समस्या किसी पूरी है। तो ये आपने देखा कि जो सतपुली का जो मुख्य बाजार है, जो पौड़ी और कोटद्वार के बीच ये जगह पड़ती है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ये गृह क्षेत्र है, इसके अलावा सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री हैं उनका भी ये विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर ये बात भी हुई थी कि इसे ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा, जिस तरह से ऋषिकेश से बद्रीनाथ केदारनाथ चार धाम यात्रा मार्ग जा रहा है, उसी तर्ज पर कोटद्वार से भी यहाँ से ट्रैफिक निकलेगा, जिससे कि उम्मीद है कि अगर यहाँ से ट्रैफिक निकलेगा तो यहाँ पे जो पर्यटन का कारोबार कर रहे हैं लोग या यहाँ पे जिन लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं या अन्य तरह का कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार भी आगे बढ़ेगा। फिलहाल यहाँ पे जो जनता का रुख है उसको देखकर ये लगता है कि वो मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट करने वाले हैं, उन्हें बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी या किसी और के प्रत्याशी से कुछ मतलब नहीं है। इस समय सतपुली पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी